दोस्तों ट्रैवल चीफ रोमन रेंस ने 40 साल के WWE सुपरस्टार को धमकी देते हुए उनकी काबिलियत पर खड़ा किया सवाल और कहा कि मिलते हैं स्मैकडाउन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में उसी के बारे में करेंगे बात। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस ने स्मैकडाउन के इस हफ्ते के एपिसोड से ठीक पहले अपने मौजूदा दुश्मन की काबिलियत पर सवाल खड़ा कर दिया। यह सुपरस्टार एलन हाइड है जिनके खिलाफ रोमन रेंस को क्राउन जोल में अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करना है। दो वीक पहले हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के दौरान रोमन रेंस की एलन हाइड के साथ फ्यूड की शुरुआत होते हुए देखने को मिली थी। दोस्तों सभी का मानना था कि जॉन सीना को रोमन रेंस के खिलाफ टाइटल मैच मिलेगा, लेकिन जॉन सीना ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने के बाद एलन हाइड को ट्रैवल चीफ के नेक्स्ट ओपोनेंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। क्राउन जॉल में होने जा रहे बड़े मैच से पहले इस वीक स्मैकडाउन में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट के दौरान हेड ऑफ द टेबल और मेगा स्टार का आमना सामना होने वाला है। दोस्तों ट्रैवल चीफ रोमन रेंस ने हाल ही में एक्स पर एलन हाइड के साथ सेगमेंट को हाइप करते हुए बेबी फेस सुपरस्टार की काबिलियत पर सवाल कर दिए हैं। रोमन रेंस ने इस हफ्ते स्मैकडाउन में वापसी से पहले एलन हाइड पर निशाना साधते हुए लिखा, कल रात आपके ट्रैवल चीफ स्मैकडाउन में आने वाले हैं क्राउन जॉल से पहले आखिरी फेस टू फेस। आइए देखते हैं कि आप उतने अच्छे हैं या नहीं जितना आप अपने बारे में सोचते हैं। दोस्तों यह देखना रोचक होगा कि इस हफ्ते स्मैकडाउन में रोमन रेंस और एलन हाइड के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट इजिली हो जाता है या इस सेगमेंट के दौरान बवाल देखने को मिलने वाला है। और अगर इस हफ्ते ब्रॉल होता है तो किसे अपर हैंड मिलेगा, ट्रैवल चीफ रोमन रेंस को या फिर मेगा स्टार एलन हाइड को? आप में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ यह भी बताएं कि क्राउन जॉल में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रैवल चीफ रोमन रेंस को या फिर मेगास्टार एलन हाइड को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।